बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब जी? आज मैं बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल साउथ अफ्रीकन राइस। इसके लिए चावल लिए हैं मैंने 1 किलो, इनको मैंने पहले से भिगो लिया है। और कीमा चाहिए मुझे 1 पाव, 1 प्याली मुझे साबुत मसूर की दाल चाहिए, और इसको मैंने पहले से हल्का हल्का सा नमक डाल के उसे मैंने बॉयल कर लिया है। मटर चाहिए 1 प्याली, आलू बॉयल चाहिए, मटर भी मैंने बॉयल कर लिया और आलू भी बॉयल कर लिए, और साबुत का गरम मसाला पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, और हरी मिर्च 2 अदद प्याज, और टमाटर 1 जी। अब बनाना शुरू करेंगे। एक देगची में मैंने ऑयल डाल लिया तकरीबन आधा कप, और इसमें डालूंगी मैं 2 से 3 जगह कुटा हुआ लहसुन का। ज़्यादा नहीं डालना, बस 2 से 3 चम्मच। और इसमें मैं पहले कर लूँगी कीमे को, भून लूँगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लहसुन में भूनने का मकसद ये है कि इसकी जो गोश्त की ख़ास स्मेल हो जाती है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल, और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने देंगे। ये कीमा हो चुका है, अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। जी अब इसी बर्तन में मैं डाल दूँगी प्याज, फ्राई होने के लिए डालेंगे इसमें। ऑयल मुझे कुछ कम लग रहा है, ऑयल थोड़ा सा और इसमें डाल लेते हैं जी। प्याज भी ब्राउन हो चुका है, थोड़ा सा रह गया। अब मैं इसमें डालूंगी साबुत गरम मसाला, इससे भी थोड़ा सा भून लेंगे। यहाँ पर जाएगा टमाटर और हरी मिर्च, ये मैंने बारीक काट ली थी। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इन तमाम मसाला जात को अच्छी तरह भून लूँगी। इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला, और इसके साथ ही नमक। अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए जी। 5 मिनट मैंने जो सा ये मसाला भून लिया सारा, अब मैं इसमें शामिल करूंगी कीमा। और इसके साथ ही ये साबुत मसाला जो मैंने बॉईल करके रखे थे, और ये बॉईल मटर, और इसके साथ ये बॉईल आलू, जी 5 मिनट तक मैं इन तमाम चीज़ों को मसाले के साथ भून लूँगी अच्छी तरह। और अब इसमें शामिल करूँगी मैं पानी चावलों के लिए। आप जिस क्वालिटी के चावल यूज़ कर रहे हैं उसी हिसाब से आप पानी डालें। मुझे जितना चाहिए था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। इसको उबाल आने पे मैं इसमें शामिल करूँगी चावल जी। पानी बॉयल हो चुका है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी चावल जो मैंने पहले से भी भिगो के रखे हुए थे, वो इसमें डाल दिए जी। चावल मैंने इसमें शामिल कर दिए और इससे अब पकने देंगे। माशाल्लाह चावल हमारे बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं, और ये अब आ चुके हैं दम वाली कंडीशन पर। अब मैं इसे हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, और अब मैं इसमें डालूँगी दम पे ये
गोल वाली साबुत सुरख वाली मिर्च, थोड़ा कलरफुल सा हो जाएगा और बहुत ही मज़ा देगी जी। 15 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं चावलों के, बहुत ज़बरदस्त का दम हो चुका है। अब मैं इसे करूँगी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करते हैं इसे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा साउथ चिकन पुलाव उनसे अब रेडी है। बहुत ही कलरफुल सा, ज़बरदस्त, टेस्ट के लिहाज से भी बहुत ही आला बना है। जी व्यूअर्स, आज की रेसिपी मैंने आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त शेयर की है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमें अच्छे से कमेंट्स भी दें, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है आपके कमेंट्स की, आपकी राय की। ओके, अल्लाह हाफिज़।